वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएट कर ली हूं, लैंडिंग पेज कैसे बनाऊं? तो लैंडिंग पेज इज नथिंग बट अ नॉर्मल पेज, जैसे आप होम पेज बनाते हो, जैसे आप प्रोडक्ट पेज बनाते हो, वैसे ही एक पेज बना दो, उसको नाम दे दो लैंडिंग पेज। फिर सोचिए कि लैंडिंग पेज पर क्या होना चाहिए, लैंडिंग पेज का फंक्शन क्या है। लैंडिंग पेज का फंक्शन है कि जैसे ही कोई उस पेज पे आए, उसे पढ़े, तो उस पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ये लैंडिंग पेज होता है। ओके, कॉल टू एक्शन मतलब अगर कोई वेबिनार के लिए रजिस्टर करना चाहता है तो वो उस पे रजिस्टर करेगा। और यहीं पे एक और मुद्दा बता देता हूं, एक लैंडिंग पेज डिजाइन करने का 20,000 रुपया भी लेते हैं। क्यों बता रहा हूं ये, कि अगर आप वर्डप्रेस पर एलिमेंटर में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो लैंडिंग पेजेस डिजाइन करना भी एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, एक तरीका है पैसा कमाने का। सेम टूल्स हैं वर्डप्रेस में, सेम सब कुछ सेम यूज करना है। जहां टेक्स्ट डालना है वहां टेक्स्ट डालो, जहां वीडियो डालना है वहां वीडियो डालो, सिर्फ ये डिजाइनिंग बेहतर करनी पड़ती है। ओके, तो लैंडिंग पेज लीड्स को इकट्ठा करने की जगह होती है। अगर आप ये पॉपअप नहीं निकाल सकते तो सीधा एक फॉर्म लगा दो, वो भी चलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक एनोनिमस अटेंडी कह रहे हैं, कैन वन यूज वन वेबसाइट फॉर टू निशेस और आई शुड गो फॉर टू वेबसाइट्स? इट इज बेटर यू गो फॉर टू वेबसाइट्स। अनुज अग्रवाल कह रहे हैं, सर व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शुड बी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया फॉर फैशन डिजाइनिंग? अनुज आप पहले तो सोशल मीडिया पे चले जाओ, जस्ट गो टू यूट्यूब। देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं, कई बार ये लोग मुझे पूछते हैं, सर मेरा निश ये है, मैं कंटेंट कौन सा बनाऊं? तो अनुज अग्रवाल जी मानकर चलिए कि आपका फैशन डिजाइनिंग ये निश है, तो यहां पर जाइए और फैशन डिजाइनिंग डालिए। फैशन डिजाइनिंग, देखो कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये देख रहे हो। फैशन डिजाइनिंग फॉर बिगनर्स, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, फैशन डिजाइनिंग ड्राइंग, फैशन डिजाइनिंग ड्रेसेस, फैशन डिजाइनिंग ब्लाउज, ये फैशन डिजाइनिंग स्केचेस, फैशन डिजाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ये कीवर्ड है, इसमें से किसी भी कीवर्ड को उठा लो और कंटेंट बनाना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैशन डिजाइनिंग स्केचेस, हाउ टू ड्रॉ, फोर काइंड्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग स्केचिंग। इन्होंने फोर टाइप्स बताया है, आप फाइव टाइप्स बना दो, सेवन टाइप्स बना दो। स्केचबुक टूर, स्टेप्स इन फैशन इलस्ट्रेशन, सिंपल ड्रेस ड्रॉइंग स्टेप बाय स्टेप। ये कंटेंट अगर आप देखोगे लोगों का, सिर्फ आइडियाज भी अगर आप लोगे तो कितना सारा आपके पास कंटेंट आ गया, देख रहे हो। ये सारे कंटेंट आइडियाज, या फिर आंसर द पब्लिक पे चले जाओ, आंसर द पब्लिक पे यहां पे वही कीवर्ड डाल दो, फैशन डिजाइनिंग स्केचेस सर्च कर लो। ये देखो कितने सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, इसकी सीवी डाउनलोड कर लो, सीएसवी, और इसे ओपन करो। मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। एक सेकंड रुकिए, मैंने इसकी सीएसवी ओपन की है। हाउ टू स्केच मॉडल्स फॉर फैशन डिजाइनिंग, वॉट डू फैशन डिजाइनर्स यूज टू स्केच, हाउ टू ड्रॉ इन फैशन डिजाइनिंग, हाउ टू स्टार्ट फैशन डिजाइनिंग स्केचेस, हाउ टू स्टार्ट फैशन डिजाइनिंग स्केचेस, वॉट आर फैशन इलस्ट्रेशंस। ये देख रहे हो कितने सवाल हैं, 100, 200, 300, 400, कितने, 283 सवाल है। Within 2 minutes, I am able to get 200 questions. सब इसमें से नहीं होंगे एप्लीकेबल, दो चार निकल जाएंगे। तो
तो 2-5 मिनट के रिसर्च में आपको 4-5 आइडियाज मिल जाएंगी, आप अपनी एक कंटेंट की बैंक बनाना शुरू कीजिए आइडियाज की, उसमें लिखते चलिए कि आपको कौन कौन से आइडियाज मिल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, फिर उनपे आहिस्ते आहिस्ते कॉन्टेंट बनाते रहिए। दिस इज द वे यू शुड डू रिसर्च। आई होप मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया अनुज जी। बालकृष्ण जेठे जी कह रहे हैं, फेसबुक की क्वेरी है, वी आर रनिंग एन एनजीओ फॉर विमेन एम्पावरमेंट, शेड्यूल्ड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन फॉर्म 12th October, नीड टू पब्लिश एडवर्टाइज इन फेसबुक। ओके बालकृष्ण जेठे जी, मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। पॉलिटिकल कैंपेन्स, एनजीओ कैंपेन्स, जैसे कि ये विमेन एम्पावरमेंट का है, इसके लिए फेसबुक की ना गाइडलाइंस थोड़ी सी अलग है। तो जब आप फेसबुक के कैंपेन को बनाने जाओगे, वहां पे स्पेशल एड कैटेगरीज लिखा होगा, उसके अंदर जाके आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मैं पर्सनली इन कैंपेन्स को कभी रन नहीं किया हूं, इसलिए मुझे उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि जहां पर पॉलिटिक्स आ जाता है या सोशल वर्क आ जाता है, वहां पे फेसबुक थोड़ा सा स्ट्रांगली चेक करके एड्स लगाता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी प्रोसीजर है, तो आपको थोड़ा सा डीपली उसे स्टडी करना पड़ेगा। अगेन गूगल और यूट्यूब पे थोड़ा सा कॉन्टेंट स्टडी करना पड़ेगा एंड यू विल गेट इट। या हितेश जी कह रहे हैं, सर हम लोकनीति कोर्स के बाद अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं हितेश, देयर इज नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल लोकनीति में मैं आपको कंटेंट क्रिएट करना सिखाता हूँ, लिखना सिखाता हूँ, ये आप सर्विसेज देना शुरू कर दो, आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। यस बालकृष्ण जेठे जी कह रहे हैं कि फेसबुक सिर्फ क्रेडिट कार्ड पेमेंट ही एक्सेप्ट कर रहा है, यूपीआई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, हाउ टू पे बाय यूपीआई, सजेस्ट सेटिंग। बालकृष्ण जी, यूपीआई की जो सेटिंग है फेसबुक में, ये केवल और केवल फेसबुक के सपोर्ट वाले ही शुरू कर पाते हैं, ये कोई ऐसे अपने हाथ में नहीं होता। तो क्या करना है आपको वो बता रहा हूं। जब आप एड मैनेजर ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड में नीचे देखना हेल्प एंड सपोर्ट होगा, उस हेल्प एंड सपोर्ट में चले जाइए, बिलिंग होगा, बिलिंग में चले जाइए और वहां पर ऑप्शंस पढ़ लेना, कहीं ना कहीं आपको उनके साथ चैट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप उनके साथ चैट पे चले जाओगे, वो आपको आपका जो मैसेंजर होता है, उस मैसेंजर में आपसे बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज मेरा ये एड अकाउंट नंबर ये है और इसमें आप प्लीज मुझे यूपीआई शुरू करके दीजिए। आपके रिक्वेस्ट मिलने के कुछ हफ्ते दो हफ्ते बाद वो शुरू करते हैं, और वो भी उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो करते ही हैं। तो फेसबुक जो है वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, हर बार हम स्ट्रेट फॉरवर्डली चलते हैं लेकिन वो हमें सपोर्ट नहीं करते, तो फेसबुक का सपोर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर मैंने जिस तरीके से शुरू करवाया वो मैं बता रहा हूं कि मैंने उनके सपोर्ट से बात की, उनके सपोर्ट को रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे आप यूपीआई, आई वॉन्ट टू पे बाय जी पे, फोन पे, पेटीएम। तो एक तो वो होते हैं अमेरिकन, फिर वो कहते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, फिर उन्हें बताना पड़ता है कि भैया इंडिया में यूपीआई होता है, तो आप प्लीज हमें इसका जवाब दीजिए। तो फिर वो आहिस्ते आहिस्ते समझते हैं और फिर कर देते हैं। ओके पेशेंस चाहिए उनके साथ बात करने के लिए। यस तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाया, कुछ नया सिखा पाया, आपके सवालों के जवाब दे पाया। तो फिर मिलेंगे इसी तरह, तब तक के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। इस मिशन पे निकल पड़ा हूं कि कम से कम 10 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊं, समझाऊं, उनसे इस नॉलेज का उपयोग करवाऊं, ताकि ये सब इस नॉलेज की मदद से अपनी जिंदगी में पैसे कमाएं। फिर मिलूंगा अगले गुरुवार, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, जय हिंद।